नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। खबर कानपुर से है, जहां देर रात रविवार को दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। टॉटमिल चौराहे पर एक इलेक्ट्रिक बस ने 17 वाहनों को रौंद दिया। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 9 की हालत नाजुक बताई जा रही है। बस वाहनों को टक्कर मारते हुए चौराहे पर बने ट्रैफिक बूथ से टकरा कर डंपर में घुस गई। पुलिस ने सभी घायलों को हैलट अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया ये भी जा रहा है कि बस ने 2 कार, 10 बाइक व स्कूटी, 2 ई रिक्शा और 3 टेम्पो में टक्कर मारी। वहीं भीड़ जुटी हुई देखकर ड्राइवर बस से कूदकर भाग निकला। बस की टक्कर से दोनों कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कार में सवार लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ राहगीर बस के टायर के नीचे भी आ गए। हादसे में लाटूस रोड पर रहने वाले 26 साल के शुभम सोनकर, तो वहीं 25 साल की ट्विंकल सोनकर, बेनकगंज में रहने वाले 24 साल के अरसलान और नवबस्ता केशव नगर के अजीत कुमार की भी मौत हो गई। वहीं दुर्घटना के बाद वहां भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। तुरंत ही पुलिस ने सड़क पर बैरिकेड लगवाकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। सड़क के बीच से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया जा रहा था। पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे भी बस की टक्कर के बाद क्षतिग्रस्त होकर टूट गए। वहीं हादसे के बाद वहां से गुजर रहे लोगों ने घायलों की मदद की। घटना के संबंध में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोशल मीडिया पर लिखा है, कानपुर में हुई बस दुर्घटना में कई लोगों के हताहत होने की खबर से अत्यंत दुख हुआ है। इस घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहन शोक संवेदनाएं। मैं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं घटना के बारे में चश्मदीद दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि टॉटमिल से गुजरे तो सब कुछ सामान्य था, सभी वाहन अपनी लेन में चल रहे थे। थोड़ा आगे गुजरते ही ई बस उसी लेन में आते दिखी, जिस लेन में लोग घंटा घर की ओर जा रहे थे। बस बहुत ज्यादा स्पीड में थी, चालक को जैसे किसी की परवाह नहीं थी। हादसा हो जाने के बाद उसने स्पीड और तेज कर दी। बस रौंदते हुए दौड़ रही थी, कुछ लोग हल्ला मचाकर बस के पीछे दौड़ रहे थे। हर तरफ चीख पुकार मच गई थी। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया, मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा।